गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास, टीचर ऋषि श्रीवास्तव, क्लास फिफ्थ। एज अ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट ICS इन द फुल फॉर्म, इन द शॉर्ट फॉर्म द ICS, बट द फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट। इट फर्दर रिड्यूस द साइज ऑफ कंप्यूटर एंड दे बिकम मोर पावरफुल, फास्टर, मोर रिलायबल एंड चीपर। एग्जाम्पल IBM 370 एंड Altair। आप थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में जानेंगे तो ये इसको हम जो कंप्यूटर है जो यूज़ होता है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में उसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट ICS, है ना, IC। एंड द फर्दर रिड्यूस द साइज ऑफ द कंप्यूटर दे बिकम मोर द पावरफुल। ये क्या होता है, बहुत ही पावरफुल है, फास्टर है, तेज़ से काम करता है, मोर रिलायबल है, बेहतरीन है एंड चीपर और सस्ता भी है। एग्जाम्पल IBM 370 Altair, दो प्रकार के हैं, इन दोनों का हम इमेज आपको दिखाएंगे। फर्स्ट एंड द Altair, देख रहे हैं ये इमेज है Altair की, ठीक ना, जो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही रिलायबल है, कैलकुलेशन डिवाइस सब कुछ कर सकता है ये, है ना। IBM सिस्टम 370 मॉडल 145 वाज अनाउंस द सेप्टेम्बर 23, 1970, 3 मंथ्स। आप ये देख सकते हैं अनाउंस किया गया था सितंबर 23 सितंबर 1970 में, इसको 3 मंथ बाद इसको IBM ने क्या किया था, इसको इसका उद्घाटन किया था यानी इंट्रोड्यूस किया था, जिसका नाम था IBM 370। ओके, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, कीबोर्ड, मॉनिटर, विजुअल डिस्प्ले यूनिट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम वे आर द फर्स्ट यूज द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। जो हम कीबोर्ड यूज़ किया गया पहले, मॉनिटर जो यूज़ किया गया, इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, कीबोर्ड, मॉनिटर, मॉनिटर विजुअल डिस्प्ले यूनिट जिस पर आप शो करते हैं, दिखता है आपका, एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम वे आर फर्स्ट यूज विथ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इसको यूज़ किया गया था, कीबोर्ड यूज़ किया गया, मॉनिटर यूज़ किया गया और इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको यूज़ किया गया, डॉस पे किया गया था शायद, है ना, डॉस पे इसको यूज़ किया गया था। तो कीबोर्ड, मॉनिटर, विजुअल डिस्प्ले यूनिट एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम वे आर फर्स्ट यूज द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। ओके, एंड द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आर द मॉडर्न डे कंप्यूटर हैव द माइक्रो प्रोसेसर। जो आज का चल रहा है मॉडर्न कंप्यूटर में, तो आप माइक्रो प्रोसेसर का बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुका है। एज दे आर द मेन प्रोसेसिंग कंपोनेंट, दे आर कम्पैक्ट, पावरफुल, फास्ट, हाईली रिलायबल एंड मच चीपर टू द प्रोड्यूस। ये जो कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है ये बहुत ही सस्ता है, है ना, ये पावरफुल भी है, फास्ट, हाईली, बहुत तेज काम भी करता है, रिलायबल भी है एंड चीपर भी है, है ना। कौन कौन से हैं, डेस्कटॉप, आपके स्कूल में यूज़ होता है डेस्कटॉप, कभी सेंट जेवियर्स स्कूल में जाएगा तो आप जहाँ आप लोग बैठते हैं ना तो ये डेस्कटॉप आप लोग यूज़ करते हैं, लैपटॉप आपके घरों में होगा, पॉम टॉप छोटा सा गजट होता है एंड मोबाइल या कंप्यूटर, जो आपका मोबाइल होता है ना, जो आप मोबाइल यूज़ करते हो आजकल वो भी होता है। एम्बेडेड कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर मतलब जैसे जो आप बाइक को उसमें लगाते हो, बड़ी बड़ी जो फोर व्हीलर गाड़ियाँ होती हैं तो फोर व्हीलर में आप साउंड के लिए लगाते हो, उसको यूज़ करते हो। ये सारी इमेज मैं अभी आपके सामने शो करूँगा, देखिएगा। फर्स्ट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर चिप है ना, माइक्रो प्रोसेसर चिप को पहले समझ लीजिएगा। ये देखिए माइक्रो प्रोसेसर चिप है जो कंप्यूटर में लगाई जाती है, यही डिफाइन करती है, जितने अधिक लगे होते हैं, जितने हाईली होते हैं उतना ज़्यादा कंप्यूटर क्या होता है, वर्क करता है, ठीक ना। डेस्कटॉप आप देख रहे होंगे, ये डेस्कटॉप है ना, ये आपका मॉनिटर लगा हुआ है, कीबोर्ड लगा हुआ है, ये CPU है, ये माउस है एंड द सेकेंड लैपटॉप आप देख रहे होंगे, ये क्या है, ये लैपटॉप है आपका। ओके, थर्ड पॉम टॉप, कंप्यूटर का छोटा प्रतिरूप है ये, है ना, छोटा सा, स्मॉल साइज, तो देखिए बिल्कुल कंप्यूटर की तरह वर्क कर रहा है ये, है ना, पॉम टॉप। एंड मोबाइल कंप्यूटर, आप मोबाइल जो यूज़ करते हो, है ना, देखो तमाम प्रकार के मोबाइल हैं आप जो यूज़ करते हैं, ये मोबाइल कंप्यूटर है। ओके, एम्बेडेड कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर आप देख रहे हैं, छोटा सा एम्बेडेड कंप्यूटर है ये, आप देखते होंगे बाइक में, उसमें फोर व्हीलर में इसको हम लगाते हैं आगे, जहाँ साउंड, जहाँ आप लोग बैठ गाड़ी चला जाती हैं वहीं इसको सेट किया जाता है, ये चीज इसको सेट कर देते हैं और ये पूरा डिस्प्ले होता रहता है, कैसे साउंड चल रहा है सब कुछ इसमें आप शो कर सकते हैं, ये होता है एम्बेडेड कंप्यूटर। ओके, थैंक यू वेरी मच, कल आपको बताएंगे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। ओके, थैंक यू वेरी मच।